यूपी में एक बार फिर से जागा कांग्रेस, नई ऊर्जा से आगे बढ़ने पर होगा मंथन। बता दें कि पिछले 5 दिनों से प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शिमला की वादियों में छुट्टियां मना रही है। प्रियंका छड़ा बड़ा स्थित अपने घर में ही रुकी हुई है। अब राहुल गांधी अपनी बहन के साथ रहने के लिए शिमला पहुंच गए हैं। वे शनिवार को शिमला पहुंचे और 2 दिन यहीं रुकेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल इस दौरान सिर्फ वादियों और शांत माहौल का आनंद लेंगे। इस दौरान उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस यूपी चुनाव में अपनी करारी हार की रविवार को समीक्षा करेगी, साथ ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में सभी जिला व शहर अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी और राष्ट्रीय सचिव हिस्सा लेंगे। बैठक के निष्कर्षों को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाने और सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाने पर भी मंथन होगा। कांग्रेस अब तक के चुनावी इतिहास में यूपी में सबसे खराब स्थितियों का सामना कर रही है। उसका मत 2.5% से नीचे आ गया है और उसके खाते में सिर्फ 2 सीटें आई है। वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ दिल्ली में समीक्षा बैठक हो चुकी है और वहां के मंथन से निकले कारणों पर हाईकमान विचार कर रहा है। इसके साथ ही सीधे जनता से जुड़े रहकर काम करने वाले पदाधिकारियों से भी हार के कारण जानने की कोशिश होगी। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही प्रियंका गांधी के लखनऊ आने की संभावना है। इसके मद्देनजर भी रविवार की समीक्षा बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।